तो अभी अभी जस्ट मैं नींद से उठ के आया हूँ, लेकिन ये मेन टॉपिक नहीं है। मेन टॉपिक ये है कि मैं क्यों कुछ दिन से वीडियो पोस्ट नहीं कर पा रहा हूँ। दोस्तों मैं रहता हूँ वेस्ट बंगाल में, और वेस्ट बंगाल में एक तूफान आया था जिसके वजह से यहाँ पे बिजली नहीं था, ठीक है। कुछ दिन से यहाँ पे बिजली नहीं है और परसों आया था, तो इस वजह से मेरा मोबाइल फोन में चार्ज नहीं था और मैं वीडियो नहीं कर पाया, तो इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है। ओके, तो वो सब बातें छोड़िए। तो आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही वैल्यूएबल एंड यूजफुल है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं पांच ऐसे वेबसाइट के बारे में जो कि बहुत ही यूजफुल है। ओके, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना। अगर अब इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। लेट्स प्ले द म्यूजिक। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को सॉरी बोलना चाहता हूँ, क्योंकि इस साइड में अभी अंधेरा है और यहाँ पे जो मौसम है ना, यानी कि मैं जिस एरिया में रहता हूँ यहाँ पे अभी मौसम एकदम भी ठीक नहीं है। ओके, तो अभी आते हैं वेबसाइट की लिस्ट में। तो नंबर वन वेबसाइट है टेम मेल। दोस्तों एक ऐसा वेबसाइट अवेलेबल है जहाँ पे आप टेम्पररी मेल को क्रिएट कर सकते हैं, जैसे हम जीमेल यूज करते हैं ना। ओके, तो जीमेल की तरह आप लोग एक टेम्पररी मेल क्रिएट कर सकते हैं उस वेबसाइट में, एंड उस वेबसाइट की हेल्प से आप किसी भी एप्लीकेशन के साथ उसको लिंक कर सकते हैं। यानी कि क्या होता है कि कुछ कुछ एप्लीकेशन जो है उसको यूज करने के लिए हम लोगों को जो है साइन अप करना पड़ता है, जो जीमेल है उस अकाउंट से हम लोग को साइन अप करना पड़ता है। लेकिन जो टेम्प मेल वेबसाइट है उस वेबसाइट की हेल्प से आप लोग एक टेम्पररी मेल क्रिएट करके किसी भी एप्लीकेशन में साइन अप कर सकते हैं एंड उसको यूज कर सकते हैं। अभी आपके मन में एक क्वेश्चन आया होगा कि अगर उस मेल में अगर मैसेज आती है, तो मान लीजिए आपने एक ऐप इंस्टॉल किया है और वहां पे आप लोगों ने जो टेम्प मेल है उसको डाल दिया, ठीक है, साइन अप करने के लिए, एंड क्या होता है एक कॉन्फर्मेशन मैसेज वो एप्लीकेशन सेंड करता है। तो टेंशन करने की कोई बात नहीं, क्योंकि जो टेम्प मेल है उस वेबसाइट में ही वो जो मैसेज है एप्लीकेशन की वो आ जाएगा, यानी कि कॉन्फर्मेशन कोड। ओके, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वेबसाइट की ओर। दोस्तों अगर आप आपकी फोटोज की बैकग्राउंड को इरेज करने के लिए किसी भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को यूज कर रहे हो, चाहे इरेजर क्यों ना हो, चाहे पिक्सर क्यों ना हो, ठीक है, तो वहां पे क्या होता है कि बहुत टाइम लगता है, जो बैकग्राउंड होता है उसको इरेज करने के लिए बहुत टाइम लगता है। तो एक ऐसा वेबसाइट अवेलेबल है जहां पे आप लोग ऑलमोस्ट जो बैकग्राउंड जो है उसको ऑलमोस्ट आप लोग रिमूव कर सकते हो इजिली, और आपका जो टाइम है उसको आप लोग सेव कर सकते हो। तो उस वेबसाइट का नाम है remove.bg। यहाँ पे आप लोग आपकी किसी भी फोटोज को ड्रैग करके जो बैकग्राउंड है उसको आप लोग ऑलमोस्ट इरेज कर सकते हो। ओके, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वेबसाइट की ओर। दोस्तों क्या आपको पता है कि एक ऐसा वेबसाइट है जहां से आप लोग किसी भी एप्लीकेशन का बीटा वर्जन डाउनलोड कर सकते हैं। यस, किसी भी एप्लीकेशन का। ओके, और भी एक फीचर है उस वेबसाइट में, यानी कि जो भी मोबाइल आप लोग यूज करते हो, चाहे शाओमी का क्यों ना हो, या फिर पोको, या फिर एक ही है शाओमी और पोको तो एक ही है, सैमसंग या फिर लेनोवो, चाहे आप किसी भी फोन क्यों ना यूज करो, उस वेबसाइट में आप लोगों को एक पार्टिकुलर जो कंपनी होता है मोबाइल फोन की, उस कंपनी की जो एप्लीकेशन होता है वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो, यानी कि ओरिजिनल एप्लीकेशंस वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो इजीली। तो उस वेबसाइट का नाम है एपीके मिरर। आप लोगों को बस गूगल में जाके सर्च करना है कि मान लीजिए आप रेडमी का फोन यूज करते हो, तो आप लोगों को गूगल में जाके सर्च करना है कि रेडमी ओरिजिनल एप्लीकेशंस एपीके मिरर, ठीक है, या फिर जो रेडमी इनबिल्ट एप्लीकेशंस एपीके मिरर, आप लोगों को बस ऐसा सर्च करना है और आप लोगों के सामने आ जाएगा उस वेबसाइट का लिंक, एंड आप लोग वहां से जाके जो रेडमी का जो ओरिजिनल एप्लीकेशन होता है आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। तो है ना बड़ी मजेदार वेबसाइट। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वेबसाइट। क्या आपको पता है कि एक ऐसा वेबसाइट है जहाँ पे आप लोग दुनिया भर की लाइव पॉपुलेशन, लाइव डेथ्स, लाइव बर्थ्स देख सकते हैं। यस, यानी कि अभी रियल टाइम में कितना लोग दुनिया में आ रहा है, यानी कि जन्म ले रहा है या फिर मर रहा है, आप लोग लाइव अपडेट देख सकते हैं उस वेबसाइट में। उस वेबसाइट का नाम है worldometers.info। दोस्तों इस वेबसाइट में आप लोग को ऑफिशियली डेथ्स, यानी कि ऑफिशियली कितना लोग मर रहा है या फिर कितना लोग जन्म ले रहा है, इस वेबसाइट में आप लोग को सारा कुछ रियल टाइम अपडेट मिल जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वेबसाइट में। दोस्तों नॉर्मली हम म्यूजिक या फिर वीडियोस को डाउनलोड करने के लिए यूट्यूब को इस्तेमाल करते हैं। थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के जरिए हम लोग यूट्यूब से वीडियोस या फिर सॉन्ग्स को डाउनलोड करते हैं, लेकिन आप मानो या ना मानो यूट्यूब में किसी भी वीडियो का जो म्यूजिक क्वालिटी होता है वो हमेशा लो क्वालिटी होता है। ओके, तो एक ऐसा वेबसाइट अवेलेबल है जहां से आप लोग ओरिजिनल क्वालिटी डाउनलोड कर सकते हैं इजीली, ठीक है। उस वेबसाइट का नाम है walking.online। आज से लगभग 4 से 5 साल पहले ऐसा वेबसाइट बहुत सारा था, लेकिन बहुत सारा वेबसाइट अभी डाउन हो चुका है YouTube या फिर जो गाना एप्लीकेशन है या फिर जो Spotify एप्लीकेशन, यानी कि ऑनलाइन जो म्यूजिक एप्लीकेशन है, उन सारे एप्लीकेशन की वजह से इस तरह की वेबसाइट डाउन हो चुका है, लेकिन वॉकिंग अभी भी जिंदा है।
पर्सनली मुझे ये वेबसाइट बहुत ही पसंद है, तो आप लोग इसे जाकर एक बार जरूर चेक करें। आप लोग वहां से जाके नया नया जो सॉन्ग जो रिलीज होता है उसको आप लोग इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये है कुछ 5 ऐसे वेबसाइट्स जो कि आप लोगों की बहुत ही काम आ सकता है। उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद है। अगर इस वीडियो को अगर अच्छा लगता है तो एक लाइक जरूर करना, और अगर चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।